इस शहर की जनता ने, ख़ास तौर पे जो गरीब जनता है जो झोपड़पट्टी में रहती है, इन सभी ने महसूस कर लिया है कि जब से भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका बनी है, हमने कांग्रेस को आजमाया, एनसीपी को आजमाया, समाजवादी को आजमाया, सभी जनता ये जानती है कि आजमाने के बाद ये बीजेपी को वोटिंग करते हैं और खुद का फ़ायदा देखते हैं। आप देखिए कि भिवंडी शहर में अधिकतर इलाकों में सड़क नहीं है। शांति नगर में गायत्री नगर इलाका इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पर आज भी बहुत से इलाके जहाँ पानी ही नहीं आता। पानी आता है तो रात में 3 बजे 4 बजे आता है, तो कॉरपोरेटर की उपलब्धि क्या, ये जनता जान चुकी है। सड़क नहीं, पानी नहीं, गटर नहीं, गटर है तो चेंबर नहीं, ये जो हालात कॉरपोरेटर ने क्रिएट किया है। अपने तो बंगले बना लिए, अपने तो घर बना लिए, लेकिन पब्लिक को आम सहूलियात से वंचित रखा, इस बात की जनता दखल ले रही है। इस विश्वास के साथ लोग MIM के हर प्रोग्राम में उमड़ के आ रहे हैं और बैरिस्टर असद अवैसी साहब की बेबाक क़यादत को कबूल कर रहे हैं। देखिए, हमारा एजेंडा एक ही है कि आम सहूलियत जो जनता को नहीं मिली, सड़क, पानी, रोशनी, तालीम का इंतज़ाम, सेहत का अच्छा इंतज़ाम, ये MIM की पहली प्राथमिकता है। दूसरा, जो विकास का जो धोरण हमने देखा है कि शहर में 2 ही 3 वार्ड है जहाँ पर बच्चों के लिए वर्क स्टेशन है, वर्जिश क्लब है, ग्राउंड है, खेलने का मैदान है, नानी नाना पार्क है, ये 2-4 ही वार्ड है। वार्ड कितने शहर में एट प्रेजेंट? 24-23, 101 होने जा रहा है। तो ये जो शहर है हमारा, जो तरक्याती बुनियाद जो है हमारी, तरक्याती जो बुनियाद है उससे बहुत कोसों दूर है, और MIM एक उम्मीद की किरण है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्ड नंबर 12 के जो कारकुनान ने पिछले कुछ सालों में मेहनत किया है, उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि बहुत से माजी नगर सेवक पार्टी में आ रहे हैं। एक बेहतरीन बड़ी शख्सियत, दो बुज़ुर्ग हमारे बीच में मौजूद है, मोहतरम मुमताज़ अंसारी साहब, मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इनकी क़यादत में इस वार्ड की एक बेबाक क़यादत, एक नौजवान उभरता चेहरा फुज़ैल अहमद की शक्ल में आज हमारे बीच में पार्टी में शामिल हुआ है, और हमें उम्मीद है कि ये सारा जो परिवार MIM का जो पहले से है यहाँ पर, सब मिलजुल कर इस वार्ड में एक नई कल्पना रखेंगे, नगर पालिका के चुनाव में एक नई कल्पना रखेंगे, एक नया उम्मीदवार देंगे, एक नई उम्मीद देंगे, एक नई धोरण देंगे। जो आदमी खुद मुस्लिम क़यादत के नाम पर चुनकर आता है, वो आज उत्तर प्रदेश में अपना दोहरा रूप पेश कर रहा है, एक गिरगिट की शक्ल, कि उत्तर प्रदेश में वो आदमी बोल रहा कि मुसलमानों की क़यादत मुसलमान हो ही नहीं सकती, हमारी मुसलमानों की क़यादत हिंदू है, और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के क्या, जो हमारा नारा है ये उमूमन आज़ादी से पहले हमने आज़ादी के टाइम, आज भी जंग में हमारा मुसलमान नौजवान जो है बॉर्डर पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के पाकिस्तानियों से लड़ता है, उनकी फ़ौज से लड़ता है, चाइना की फ़ौज से लड़ता है, इस नारे को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं कि नारा लगाने वाले, नारे तकबीर नारा लगाने वालों ने तेजस्वी यादव को हराया और अब अखिलेश यादव को हराएंगे, ऐसी बातें जो वो कर रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि वो आज मुल्क के एक संविधान को नहीं मानते हुए एक नई कल्पना रख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात होगी। आज अबू यादव जी जो है ये बात जो कर रहे हैं, इसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी और जो कम्युनल समाज पार्टियां हैं उनका जो धोरण है वो अबू असीम आजमी ने अपना लिया, ऐसे हमारा इल्जाम है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।